हेलो एवरीवन, एसएस क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शीतल साहू, आप देख रहे हैं एसएस क्रिएशन। एसएस क्रिएशन में आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th की टेक्स्ट बुक द हनीकॉम का फर्स्ट चैप्टर द थ्री क्वेश्चन पार्ट 1। इस चैप्टर में एक राजा है जिसके मन में थ्री क्वेश्चंस आते हैं और वो तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता है। वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं और क्या राजा उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ पाता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो चैप्टर 1 द थ्री क्वेश्चंस। द थॉट कम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फॉल। राजा के मन में एक ख्याल आता है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा अगर वो तीनों क्वेश्चंस के आंसर जान जाता है। ये तीनों चीज़ें क्या थी? फर्स्ट था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को करने का सही समय कौन सा है। सेकेंड, विच पीपल शुड ही लिसन टू। सेकेंड है, किन लोगों को उन्हें सुनना चाहिए। थर्ड, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिज टू डू, उसके लिए कौन सा सबसे ज़रूरी काम है जो उसे इस समय करना चाहिए। और इसलिए राजा ने अपने मैसेंजर्स पूरे राज्य में भेजा और प्रॉमिस किया कि वो बहुत सारा अ लार्ज सम ऑफ मनी देगा अगर कोई भी उसके पूरे क्वेश्चंस के उत्तर देगा तो सही बहुत सारे बुद्धिमान आदमी राजा के पास आए, लेकिन उन्होंने राजा के क्वेश्चंस का अलग अलग आंसर दिया। पहला क्वेश्चन था जो था, किसी चीज़ को करने का सही समय कौन सा हो सकता है। इसके लिए कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। उन लोगों ने कहा केवल यही एक सही तरीका है कि राजा अपना काम सही समय में शुरू कर सकता है। तो कुछ लोग ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है फैसला करना एडवांस में कि किसी चीज़ का करने का सही समय कौन सा होता हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को वो सब कुछ नोटिस करना चाहिए कि उसके अगल बगल क्या हो रहा है। एडवाइस प्लीज प्लेजर उसे अपने फालतू के सुख दुख सुख सुविधाओं को अवॉइड कर देना चाहिए और हमेशा केवल वही करना चाहिए जो उसके लिए उस समय ज़रूरी हो। बाकी कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक काउंसिल ऑफ वाइसमैन मतलब ग्रुप चाहिए बुद्धिमान लोगों का जो कि राजा की सहायता कर सके सही समय पर सही काम करने के लिए। ये इसलिए था कि एक आदमी की बस की बात नहीं है, ये टोटली इम्पॉसिबल है ये फैसला करना कि सही सही बिना दूसरे के हेल्प के कि सही समय क्या है किसी भी चीज़ को शुरू करने का। लेकिन तभी कुछ लोगों ने कहा कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो अर्जेंट हो और ये चीज़ें काउंसिल्स के फैसले का इंतज़ार नहीं कर सकती और इसीलिए सही समय का चुनाव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर्स को हम देख लें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसका सही समय पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे। और फ्यूचर में तो केवल मैजिशियन देख सकते हैं, तो राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। राजा के दूसरे क्वेश्चन के आंसर्स में उसने क्या कहा कि किन लोगों को राजा को सुनना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा सबसे ज़रूरी लोग राजा के लिए कौन है, उसका मंत्रिमंडल, उसके काउंसलर्स। कुछ लोगों ने कहा कि पुजारियों की बात सुननी चाहिए, इट मीन्स राजा को पुजारियों की बात सुननी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए, तो कुछ अदर्स लोगों ने कहा कि अपने सैनिकों की बात सुननी चाहिए एक राजा को, क्योंकि उसी की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही तीसरे क्वेश्चन की बात आती है, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को नए खोज करनी चाहिए और किंगडम्स में नए साइंटिफिक चीज़ें इन्वेंट करनी चाहिए
कुछ लोगों ने कहा भी राजा को फाइट करनी चाहिए। इस समय दूसरे कमजोर राज्यों को राज्यों के किंगडम को ले लेना चाहिए, और कुछ अलग लोगों ने कहा कि उसे धार्मिक मतलब धार्मिक चीज़ें करनी चाहिए, पूजा पाठ की चीज़ें राजा को करनी चाहिए। जैसे ही राजा के प्रश्न मतलब क्वेश्चन के आंसर्स बहुत अलग अलग था, मतलब जैसे ही राजा के प्रश्नों के उत्तर बहुत अलग अलग थे, तो राजा क्या होता है, राजा सेटिस्फाइड नहीं होता है, और वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो किसी को भी रिवॉर्ड्स नहीं देता है। एंड कैप इसलिए राजा ने किसी को भी रिवॉर्ड्स नहीं दिया, प्राइज नहीं दिया, और इसके वजह राजा ने फैसला किया कि कोई राजा के राज्य में एक हर्मिट पुजारी था, सन्यासी था, जो कि अपने बुद्धिमानी के लिए उस राज्य में जाना जाता था। वो हर्मिट जंगलों में रहता था, वुड मीन्स एक छोटा सा जंगल। उस जंगल के जंगल को छोड़ के वो कभी भी कहीं नहीं गया था बाहर। उसने बाकी किसी लोगों को वहाँ नहीं देखा था, वहाँ मतलब उसने बाकी कभी किसी अन्य लोगों को नहीं देखा था, बस वो उस जंगल में जो लकड़ियाँ काटने आते थे उन्हीं लोगों को देखा था, और जो उनसे मिलने आते थे बस उन्हीं लोगों को देखा था, इसलिए वो राजा नाम की चीज़ को नहीं जानता था। इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिया, और जैसे ही राजा पहुंचा हर्मिट के सन्यासी के झोपड़े के पास, हट के पास, उसके पहले ही राजा अपने हॉर्स को छोड़ दिया और बॉडीगार्ड्स के पास, और अकेले ही उस सन्यासी की झोपड़ी तक चलकर गया। जैसे ही राजा उस हर्मिट मतलब सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचता है, वो देखता है कि जो पुजारी है वो डिगिंग कर रहा है, मतलब खोद रहा है ग्राउंड को अपनी झोपड़ी के सामने, और वो पुजारी राजा को ग्रीट करता है, मतलब जो सन्यासी होता है वो राजा को ग्रीट करता है। ग्रीट मतलब होता है हाय, हेलो, नमस्ते, ठीक है, वेलकम करता है राजा का, और उसके बाद अपना काम फिर से चालू करता है। वो हर्मिट सन्यासी बहुत बूढ़ा हो चुका था और बहुत कमज़ोर हो चुका था, और जो कि वो बहुत समय से काम भी कर रहा था, इसलिए उसके सांस भी बहुत तेज़ी से चल रही थी। और राजा उस सन्यासी के पास गया और कहता है कि हे सन्यासी, हे बुद्धिमान हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ ये पूछने के लिए अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता हूँ। और 3 क्वेश्चन कौन से थे, मैं कैसे सीख सकता हूँ कि सही चीज़ सही समय पर किया जा सकता है, दूसरा मुझे किन लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, और ये तीसरा और ये कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो मुझे अभी देखने चाहिए। हर्मिट राजा की बात को सुनता है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, और वो अपना काम चालू रखता है। कौन? हर्मिट। फिर राजा कहता है कि आप थक गए हो, मुझे आज का काम कर लेने दो। मतलब जो राजा होता है वो हर्मिट को बोलता है कि आप बहुत थक गए हो, आप मुझे अपना काम कर लेने दो, आप अपना फावड़ा मुझे दे दो। तो वो हर्मिट कहता है धन्यवाद, और वो राजा को अपना फावड़ा दे देता है, और उसके बाद वो क्राउन पर बैठ जाता है। जैसे ही राजा ने 2 गड्ढे को खोद लिया, वो रुक गया और अपने क्वेश्चंस को फिर से दोहराता है, फिर से उस हर्मिट से पूछता है, और वो हर्मिट कोई भी उत्तर नहीं देता है, और उसके बाद खड़ा हो जाता है और अपने हाथ फैला लेता है और कहता है कि आप रेस्ट कर लीजिए, मुझे काम कर लेने दीजिए। लेकिन राजा उस हर्मिट को फावड़ा देता नहीं है, और वो अपना खुदाई का काम जारी रखता है। कौन? राजा। 1 घंटा बीत गया, फिर ऐसे ही करते करते 2 घंटा, दूसरा घंटा भी बीत जाता है। ऐसे ऐसे ही समय बीतता गया, सूरज पेड़ के पीछे छुप गया। इट मीन्स
शाम हो गया और आखिरकार राजा गुस्सा होकर कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ उस फावड़े को जमीन में स्टक मतलब गाड़ देता है और कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ, मैं हे बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर चाहिए। अगर आप उन्हें उनके उत्तर दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, और आप उन क्वेश्चंस के उत्तर नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं घर वापस चला जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit. तभी हमिद बोलता है और कहता है कि वो देखो, तभी हर्मित क्या करता है, बोलता है और कहता है कि वो देखो कोई दौड़ के आ। हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, हम सेकेंड पार्ट का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।